खबर भोपाल से है, जहां नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश यानी NHM की 7 फरवरी को होने वाली संविदा स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। ग्वालियर पुलिस ने पर्चा लीक मामले में 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इसके बाद NHM ने परीक्षा निरस्त कर दी है। इसकी पुष्टि NHM MP के मुख्य प्रशासकीय अधिकारी KK रावत के आदेश से हुई है। आपको बता दें कि जो परीक्षा एजेंसी के MD को लिखा गया है, पुलिस ने डबरा की होटल से यूपी के इस गैंग को पकड़ा है। पकड़े गए संदिग्ध इलाहाबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं पेपर लीक और परीक्षा कैंसिल होने से नाराज परीक्षार्थियों ने भोपाल के राजस्थान रोड स्थित सैम कॉलेज के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।